आपको मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है ऐसा जिसमें ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा एक्स एक्सिस के अलोंग, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, आप एक चार्ज को उठा के 0.2 कूलम के चार्ज को उठा के आप 2 मीटर दूर ले गए, कहाँ ले गए, इस एंगल पे ले गए एट एन एंगल ऑफ 60, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेके गए, 60 डिग्री पे ले गए, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 जूल का वर्क डन किया। तो क्वेश्चन है ई की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था ये बताओ। देखो इसमें आपको कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर होता है, फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रो फोर्स कहाँ पर लगेगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आर आपका एट एंगल ऑफ 60 डिग्री है तो एंगल इनके बीच में क्या निकलेगा 60। फोर्स की वैल्यू क्या होती है क्यू ई, तो ये आपने पुट कर लिया और कॉस 60 हाफ है, आपको क्वेश्चन में वर्क डन पता है, चार्ज 0.2 आपको पता है, ई आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको 2 मीटर पता है और हाफ आपको पता है, सॉल्व करके ई की वैल्यू आ गई। तो मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वर्क डन निकाल लो या वर्क डन गिवन है तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर का, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये वैल्यू आएगी।